के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए। Yeah।
ओम शांति. बिकम फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स, बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ सॉल्यूशन. समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ. आज की टॉपिक है प्रतिज्ञा करो कि हम और कोई पर भी बली नहीं चढ़ेंगे. प्रतिज्ञा करो कि कैसे भी समस्या आए, कोई भी कारण बने, लेकिन हम और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे. जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है, तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है. इसी रीति से यह भी जो प्रतिज्ञा की है उसको पूर्ण करने के लिए संग का जल भी चाहिए तो अपनी हिम्मत भी चाहिए. ओम शांति. आपका स्वागत है. आज 18 दे है. समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ. आज का टॉपिक है प्रतिज्ञा करो कि हम कोई और पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे. मोहिनी दीदी से सुनेंगे हम अभी. ओम शांति. ओम शांति सभी को. सभी ठीक हैं, अच्छे हैं. आखिरी में हम पहुंच ही गए. 3 दिन यहाँ पर दुबई में, 2 दिन फिर अभी शांतिवन में पहुंच ही गए हम. जब भी शांतिवन आएंगे तो इतनी सारी आत्माओं को देख सकते हैं. बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंसेस चलते हैं यहाँ पर, और अभी रूहानी सर्विस का, सोशल सर्विस का कॉन्फ्रेंस चल रहा था. फिर बहुत सारी आत्माएं हैं यहाँ पे. हम बहुत खुश हैं वापस आके यहाँ पे शांतिवन में. सभी बिजी बिजी है यहाँ पे. कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कोई तो कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं. तो हम तो अभी थोड़ा थोड़ा सेटल हो रहे हैं. दुबई में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था. सब कुछ अलग था. उसमें बहुत सारी आत्माएं अरब देशों से हैं. वो भाषा भी अरबिक है, पर जहाँ जो भी बहने हैं वहाँ तो बहुत सारे बहने हैं. बहुत बड़ा सेंटर है. बहुत बड़ा घर है. जैसे कि एक कोई बंगलो को बनाया गया है सेंटर के रूप में. वहाँ पे बाबा का कमरा भी बहुत बड़ा है. लंदन में भी, ऑक्सफोर्ड में, लंदन में तो जैसे कि वहाँ मेन रोड पे है सेंटर, तो यहाँ भी मेन प्लेस पे बहुत बड़ा साइन है. राज योगा मेडिटेशन सेंटर करके बोर्ड में पेंटिंग है, सब कुछ बहुत बड़ा. तो हमने पूछा कि कौन किया है ये सभी, तो उन्होंने कहा कि कोई आर्टिस्ट बहन है और वो इंटीरियर डिजाइन, माना घर का अंदर का भी कैसे संभालना है, वो उसमें प्रवीणता है उसको,
तो फिर उन्होंने पूरा जो सेंटर को भी ऐसे इतनी अच्छी रीति से कैसे कैसे होना है सब कुछ अच्छे रीति से वो बना के रखे थे। मेरा तो 30 साल हो गया वहां जाके और ये सब देखते हुए बहुत बहुत खुश हुई कि बाबा की सेवा तो कैसा बढ़ रहा है, कैसे विस्तार हो रही है बाबा की सेवाएं, इतनी बड़ी क्लास, मेजॉरिटी तो भारत वाले हैं, माना इंडियन भारत वाले बच्चे हैं। आज हम समर्पण की बात कर रहे हैं। एक होती है समर्पण और दूसरा होता है बनना दूसरे का। एक होता है पहले बाबा का बनते हैं, बाबा का बन जाते हैं, अनुभव करते हैं कि बाबा मेरा है, तो फिर उस अपनेपन से बाबा को हम समर्पित हो जाते हैं। पहले बाबा का बनते हैं फिर बाबा को समर्पण कर देते हैं। ऐसे नहीं कि ओनली सेंटर वाले सेंटर निवासी ही सरेंडर है, हर एक आत्मा जो बाबा का बच्चा है समर्पित है, मन से समर्पित है, वो अपने लौकिक में भी है फिर भी वो समर्पित है। बाबा तो हमारे से कुछ भी नहीं लेता है, बस बाबा तो जैसे कोई सरेंडर सेरेमनी होती है या सरेंडर से पहले सरेंडर होने से पहले ये हमारी बुद्धि में हमेशा संकल्पों में रहे कि ऐसा नहीं कि ये मेरा पैसा है, मेरा सोच है, मेरी आइडिया है, ये सब हम अपने लिए यूज करते हैं, हमें तो तन मन धन को यूज करना है और सेवा करने के लिए धन की भी जरूरत है, शरीर की भी जरूरत है और सबके साथ स्नेह भरी व्यवहार की भी जरूरत है, पर जो भी बाबा ने हमें दिया है उसे यूज करना है ट्रस्टी बनकर। जब हम ट्रस्टी बनकर यूज करते हैं उसे, तो कर्मिक जो कर्म का जो बंधन होते हैं वो सुकर्म होते हैं। एक होता है कि प्रभावित होना या इम्प्रेस हो जाना। हम किसी की कार्य करने की क्षमता को देखकर, उनकी पर्सनालिटी को देखकर हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं उनसे, और हम उसे जाने अनजाने में कॉपी भी करते हैं और वही फॉलो करने लगते हैं, या दूसरी की जो आइडिया बहुत अच्छी होती है उसके ऊपर चलने लगते हैं, तो उनके जो आइडिया का ऊपर चलते चलते फिर बाद में आपको ये समय आएगा तो रियलाइज करेंगे कि मैं तो उनकी तरह बन रही हूँ, बाबा की तरह नहीं। तो फिर हम साथी भी हैं, सेवा के साथी भी, और हमारी तो बाबा की कंपनी है, पर मुझे ये समझ में आया जब सरेंडर की बात आई कि युद्ध के मैदान में ये दिखाते हैं कि अर्जुन जो है वो युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए वो रेडी थे और उनकी जो जीत भी निश्चय थी, पर जब वो वहां पर क्षेत्र में गए और सभी मामा काका चाची सभी को देखा कि उनसे प्रति हमें युद्ध करना है, तो फिर वो कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी ही संबंधियों को मैं क्यों मारू। तो कृष्ण जो होते हैं कि कृष्ण से वो कहते हैं कि मैं चला नहीं सकता ये बान वान, तो कृष्ण तो कहते हैं कि वो तो ऑलरेडी वो तो आत्माएं जो होती है, आत्माएं जो तो
अविनाश क्या बोल इमोर्टल माना, आत्मा का जो विनाश नहीं होता है, शरीर का ही जो भी कर्म बंधन है। तो कृष्ण ने वो जो घोड़े का जो रथ होता है तो उसके सामने कृष्ण बैठा और अर्जुन पीछे थे बाण और युद्ध लेकर, जहां भी उसको युद्ध में जाने का, किसी के साथ वो युद्ध करने का। पर जो कृष्ण को दिखाते हैं कि वो बुद्धि को अपनी लगाम में, वो घोड़े को जो दिखाते हैं वो लगाम लिया था। तो फिर हमको भी अपनी बुद्धि से बाबा की श्रीमत की फॉलो करनी है। हम बहुत सारे निमित्त आत्माएं हैं, सीनियर भाई बहन हैं, हम बहुतों के साथ एक साथ कंपनी में जीते भी हैं, बहुत नजदीकी से हम कार्य करते हैं एक दूसरे से मिलकर। एक एक बार मैंने, मुझे याद है कि 50 दादियों के सामने, 50 दादियों से हम रहते थे और अच्छा लगता था। ये वो सभी सिखाते थे कि कैसे पालना करना है, कैसे करके दिखाते थे पालना कैसी होती है, और उनकी जो प्लान होती है, उनकी जो आइडियाज होती है वो तो होती ही है, पर वो अच्छे तरीके से हमें शेयर करते थे। पर हमें ये चॉइस भी देते थे कि ये ऐसे करेंगे तो फिर ऐसा होगा और ये आप सबकी जिम्मेवारी है। एक बार मुझे याद है कि जो दादियां बता रहे थे तो मुझे लगा कि वो सही नहीं है, पर वो आइडिया मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, पर मेरी मुख से वो दिखाई नहीं दिया कि मैं, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगा। पर जब दादी ने मुझे पूछा कि आपको कैसा लगा आइडिया, तो मैंने वो बता दिया कि दादी मुझे ये तो ऐसा लगा। तो दादी समझ गए। तो फिर हम सभी साथ रहते हुए सेवा करेंगे, पर ऐसे नहीं कि यू नो किसी के किसी से प्रभावित होकर उनकी जो बोल है, उनकी जो डायरेक्शन है उस पे चले। हम सभी मिलके करेंगे। एक बार मैं गई तो बोली दादी कुछ बता रहे थे, मैं तो डायमंड हॉल में कुछ क्लास ले रही थी और सभी तो वो क्लास सुन रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि आपको भी ये क्लास क्लास में बैठे थे, तो मैं तो उनकी क्लास सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ। तो फिर जब वो आके हमारी क्लास में बैठे तो जो बाबा हमें बता रहे हैं तो हम एक तरीके से लेते हैं उस ज्ञान को और अपनी दृष्टिकोण भी उसमें ऐड होता है। तो फिर जब एक दूसरे का सुनते हैं तो हर एक के दृष्टिकोण को भी हम समझ लेते हैं और एक तरह का समीपता का अनुभव होती है। बाबा कहते हैं प्रॉमिस करो, प्रतिज्ञा करो कि हम और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। मैं बाबा के ऊपर बलि चढ़ी हूँ तो फिर मैं किसी आत्मा को भी मैं प्रेज नहीं कर सकती। प्रेज करूं तो भी मैं अपने को उस आत्मा पर बलि नहीं चढ़ी सकती। जैसे बाबा ने कहा ना कि जो प्रतिज्ञा की है उसको पूर्ण करने के लिए संघ का जल भी चाहिए। अगर जल नहीं है तो बीज तो फिनिश हो जाएगी। जब संघ का जल होगा तो ट्री भी फलदायक होगा। तो दीदी कह रही इस रीति यह भी जो प्रतिज्ञा की है उसको पूर्ण करने के लिए संघ का जल भी चाहिए तो अपनी हिम्मत भी चाहिए। संघ
संग तो चाहिए, पर उस संग में रहते हुए भी उस दूसरे के संग से हमें प्रभावित नहीं होना है, बस बाबा के ऊपर बलि चढ़ना है। जो आपको अच्छा लगे उस संग से वो आप ले सकते हो, पर अपना खुद का भी समझ चाहिए, खुद का भी विचार सागर मंथन चाहिए, खुद का भी चिंतन चाहिए। जब मैं छोटी थी तो फिर मुझे सबका सुनना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हर एक जो सोचते हैं ज्ञान के बारे में ही उनका जो विचार सागर मंथन है हर एक का अलग अलग है, पर वो सब सुनते हुए भी मैं अपना खुद का जर्निंग जो है, खुद का जो मंथन है मैं चलाती थी। तो जब आप ऐसे करेंगे ना तो फिर ये आपको मदद करेगा कि आप समाधान स्वरूप बनेंगे, क्योंकि आपकी जो जीवन में रूहानी जीवन में ये यात्रा में कि आपको कभी कभी लगता है कि सरेंडर माना क्या, बाबा क्या कहते हैं, जब बाबा कहते हैं कि किसी के ऊपर बलि नहीं चढ़ना, माना हम सबको भी थोड़ा थोड़ा अनुभव है क्योंकि हम भी बहुत सारे आत्माओं से शायद प्रभावित भी हुए हैं पहले, पर बाबा कहते हैं उनकी हाथों में अपना बुद्धि का लगाम मत देना है, हमारी बुद्धि बाबा के साथ रहनी है और बाबा बाबा वो लगाम ले लेवे हमारी बुद्धि का, और हम बाबा जो कहे वो मन बुद्धि से करें। ये भी हमने देखा कि जैसे कि आत्मा को पालना मिलती है और जल भी मिलता है संग का, तो फिर बहुत अच्छा ग्रो होते हैं। तो ये तो बहुत रोमांचक बात है कि हम सब इस के बारे में विचार सागर मंथन करना है और ये प्रतिज्ञा पक्का करना है, क्योंकि जब यज्ञ की शुरुआत में जब पवित्रता की बात आई तो बहुत सारी माताओं ने बहुत सारे माताओं को बहुत सहन करना पड़ा, पर माताओं भी इतनी सारी लगन थी कि अगर शरीर छोड़ना है, प्राण त्यागना है तो त्यागेंगे, पर पवित्रता को नहीं त्यागेंगे। तो वो नहीं करते थे, इतना उनमें से लगाव थी, लगन थी बाबा के प्रति की। एक बार सरेंडर हुए बाबा को तो फिर किसी बात का डर नहीं। जब हम समर्पण की बात करते हैं तो फिर वो आर्मी कोई आर्मी की बात होती है तो फिर ये होती है कि उस आर्मी को उस डेस्टिनेशन पे वहां पर सरेंडर होना है, पर ये तो बाबा के लिए हम जीते हैं, हम बाबा से पालना लेते हैं और हम बाबा के हैं। सबके साथ रहना, सबके संग रहना, पर हिम्मत रख के बस एक बाबा के साथ ही रहना और जो सही है श्रीमत अनुसार वही करना है, कभी भी किसी की परमत या मनमत में नहीं करना है। तो ये जो सूक्ष्म समस्याएं हैं ये होते रहते हैं इसकी वजह से, और बाबा हमें वार्न कर रहे हैं, वह चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो आपका प्रतिज्ञा है कि एक पर ही बलि चढ़ने का वो कायम रखने का, तो उसी में क्या होगा कि समाधान स्वरूप बनेंगे और हमें कोई समस्या समस्या की तरह अनुभव नहीं होगा। तो इसके बारे में सोचना। ओम शांति। ओम शांति अव्यक्ति परिवार, हम मधुबन से आपके लिए स्पेशल ग्रीटिंग्स, हम दीदी से दृष्टि लेंगे और कल से हम अपना हिंदी सीरीज फिर से
शुरू करेंगे, तो 7:15 से 7:30 तक हिंदी सीरीज होगी, फिर उसके बाद हमारा इंग्लिश सीरीज होगी। सभी बाबा के बच्चों को सभी जानकारी देने के लिए कि कल से हम हिंदी सीरीज रिज्यूम करेंगे, तो 7:15 से हम अपनी हिंदी सीरीज शुरू करके फिर हमारी इंग्लिश सीरीज होंगी। तो ये थोड़े से दिन ट्रैवल के थे इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन अभी हम रिज्यूम करेंगे। अभी हम दीदी से दृष्टि लेंगे। नाउ वी विल टेक दृष्टि फ्रॉम दीदी एंड विल रिमेम्बर बाबा एंड देन वी विल डू आवर एंसेस्टर शेयरिंग एंड आल्सो अवेक मुले रिवीजन। की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है, मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है। सारे धर्म ग्रंथों में, सभी विशेष धर्मों में यही कहा गया, ऑल द स्क्रिप्चर्स इन ऑल मेन रिलीजन, भगवान तुझे क्षमा करेंगे। अरे भगवान दया किस पर करते हैं? जो दूसरों पर दया करता है। जो दया ही नहीं करता है किसी के ऊपर, तो वो डिजर्व नहीं करता है कि उस पर कोई दया करे, क्योंकि उसने तो बहुत जुल्म किया, अत्याचार किया, दूसरों पर निर्दयता से व्यवहार किया, उसके प्रति सहानुभूति नहीं होती। तो दया करना, क्षमा करना, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगेट करने का तरीका एक ये है कि फॉरगिव करो, माफ कर दो। बात को, झंझट को खत्म करने का तरीका भी यही है, हाथ जोड़ के कह दो, अच्छा भाई गलती हो गई, माफ कर दो। एक माफी मांगने से, जैसे यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस एक वर्ष में हुई थी हारमनी पर, तो दादी जी ने कहा था हार मानी और हारमनी हो जाती है, आपस में मेल मिलाप हो जाता है अगर कोई दोनों में से एक हार मान जाता है। हार मान ली फिर जिद किस बात की, झगड़ा किस बात का, जब हम झुक गए तो। तो इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि कोई बात बार बार खटके नहीं हमारे मन में, चुभे नहीं, चुभन ना होती रहे, तो उसका एक तरीका तो ये है कि फॉरगिव करो जो आपके कनेक्शन में आते हैं। एक तरीका तो ये है, आप औरों से वर्णन करते रहो, ये आदमी कितना निकृष्ट है, कितना दुष्ट है, कैसा व्यवहार करता है, एहसान फरामोश है, इसके साथ हमने क्या किया और अब इसने कैसे आंखें फेर दी, इत्यादि इत्यादि। उसको बढ़ा चढ़ा के पुराण बना दो बात का, पलंदे बनाते जाओ उसके। एक तरीका तो ये है, विस्तार करते जाओ। और एक ये है कि मिटाओ, खत्म करो, क्या रखा है इसमें, प्राप्ति क्या है, इट इज मेयरली वेस्ट ऑफ टाइम। और अपने मन को दुखी करना है, दुख का समय अपना बढ़ाना है। अगर चाहते हो कि दुख ना लें, दुख ना दें, तो तरीका यही है, क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिलेगी। भोलापन जो है वो उसका एक लक्षण ये है। भोलेपन के कई लक्षण होते हैं, उसमें भोलापन का एक लक्षण भोला वो होता है, माफ कर दो, छुट्टी हुई। जो जल्दी से दूसरे को मन से भुला देता है, अच्छा किया कोई बात नहीं चलो आगे बढ़ो, तो वो भी भोला कहलाता है।
ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं है इसने क्या गलती की है, ऐसा नहीं कि वो पत्थर का बना हुआ है उसको अपमान महसूस नहीं होता है, ऐसा नहीं कि उसकी कोई इज्जत नहीं है समाज में जो लूटी गई किसी के द्वारा, लेकिन उसका तरीका ये है, एटीट्यूड ये है, अप्रोच लाइफ में ये है कि वो कहता है जाने दो, माफ करो। तो माफ करो, क्षमा करो, फॉरगिव करो, तो उसे फॉरगेट होगा। भूलने का एक तरीका ये है। दूसरी बात यह होती है डाइवर्शन, जिसको कहा जाता है कि मन को इधर की बजाय दूसरी तरफ लगा देना। एक तरीका जो संसार के लोग अपनाते हैं जिसमें वो दुखी होते हैं, दुख पाते हैं, वो तो ये है कि जिसने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया उसी की तरफ बार बार ध्यान देते हैं, मैं इसको अब छोड़ूंगा नहीं, इसने बहुत तंग किया है, सारी उम्र मुझे परेशान किया है, ऐसे करते रहेंगे, कहते रहेंगे, बार बार उनको याद आएगी कि ये आदमी तो बहुत ही अजीब किस्म का है, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है हमें। तो जिसको बार बार याद आएगी वो याद तो ताजा होगी, पक्की होगी, फिर वो भूलेगी कैसे? वो भूलने का अपोजिट तरीका है, भूलने की बजाय याद करना होता है किसी चीज को तो दोहराना होता है, बार बार रिकैपिचुलेट करना होता है। बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कोई भी विद्या, तो बार बार जब उनसे पुनरावृत्ति कराई जाती है, दोहराया जाता है, तब उनको याद होता है, स्मृति पक्की होती है, कम भूलता है। जो टेलीफोन नंबर आपको मालूम है, अगर बार बार आपको करना पड़ता है किसी काम से, फिर आपको जबानी याद हो जाएगा, और अगर कभी आज आपने किया और एक साल नहीं किया तो शक रहेगा या भूल जाएगा। तो ऐसा होता है कि बार बार अगर आप ध्यान देंगे किसी की हुई बुराई की तरफ, उसको देखते रहेंगे पुनः पुनः, तो फिर वो आप भूल नहीं सकते, दुख पाते रहेंगे, अपने दुख का समय बढ़ाते रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? डाइवर्शन करो, अपने जो अटेंशन है, ध्यान है, उस ध्यान को वहां से हटा के दूसरी तरफ लगाओ। आपने देखा होगा, जीवन में अनुभव किया होगा कि जब हमारा ध्यान किसी और काम में काफी टाइम तक चला जाता है तो फिर वो पुरानी बात भूल जाती है। कोई व्यक्ति है, उसने टाइप करना सीखा और उसको 25-50 वर्ष तक जरूरत ही नहीं पड़ी, दूसरी तरफ ध्यान चला गया और काम में लग गया, अब उसको अटेंशन ना रहने से वो भूल जाएगा, वो आर्ट जो होगा, वो कला जो सीखी होगी, उसमें फर्क पड़ जाएगा, मेमोरीज फेड कर जाती हैं, मंद पड़ जाती हैं, फीकी हो जाती हैं, जब उनमें समय गुजरता है या जब उनको रिपीट नहीं किया जाता है या उनसे ध्यान खींच के दूसरी तरफ लगाया जाता है। हमारे योग का ये एक फायदा होता है कि हम जब शिव बाबा की तरफ ध्यान लगाते हैं संसार से हटाकर, तो जो हमारी आदत पड़ी हुई थी बार बार सारा दिन संसार और देहधारियों को, देह की बातों को याद करना, तो उससे कैसे हटाया जाए? कोई तरीका नहीं था, और अगर उसे हटाया ना जाए तो सुख शांति मिलेगी कैसे? क्योंकि ये तो हिसाब किताब की दुनिया है, हर एक ने हर एक को दुख दे और ले रखा है। तो इसलिए याद करो, याद करो, शिव बाबा को याद करो, याद करो माना अटेंशन को डाइवर्ट करो, जो बेस्ट तरफ है उधर लगाओ, और जो तंग करने वाली दुनिया है आपको, जिससे परेशान हो, उससे मन को हटा दो। हटाओगे कैसे? जब दूसरी तरफ लगाओगे। तो अटेंशन को डाइवर्ट करो, जब ऐसा करेंगे तब वो पिछली बातें भूलेंगी। उसके लिए बाबा ने कहा अटेंशन डाइवर्ट कैसे की जाए, तो बाबा ने कहा अपनी तरफ अपनी चेकिंग करो, अंतर्मुखी जो होगा वो अपनी चेकिंग करेगा, जो बाह्य मुखी होगा वो दूसरों की चेकिंग करेगा, नोट करता रहेगा ये कैसा टेढ़ा आदमी है,
बात कैसी गलत करता है, इसका तरीका ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, उसकी चेकिंग करता रहेगा। तो जो दूसरे की चेकिंग करता रहेगा, खुद ही कांटों का ताज पहनता रहेगा, अपने को कांटे चबोता रहेगा, तो उससे हटे कैसे मन, जो आदत पड़ चुकी है उसको, उससे कैसे हटाए, डाइवर्शन कैसे करे। उसका तरीका यही है कि इंट्रोवर्शन करो, बजाय एक्स्ट्रोवर्शन के इंट्रोवर्शन करो, ये डाइवर्शन है। बाह्य मुक्ता की बजाय अंतर मुक्ता करो, अपनी चेकिंग करो, बजाय दूसरे की नुक्ताचीनी करने के, उसके दोषान्वेषण करने के, उसकी बुराई को देखने के, बार बार उस तरफ ध्यान देने के, अपनी तरफ ध्यान दो ताकि अपनी इम्प्रूवमेंट करो। इसलिए बाबा ने कहा कि अपनी चेकिंग करो, ये जरूरी है। कई दफा बाबा ने कहा है, तो हर एक चीज में कई कारण होते हैं और वो प्रोसेस जो है वो लाभकारी हमारे लिए कई तरह से होता है। तो चेकिंग करने का एक लाभ तो ये है कि जो हमारी कमी होगी हम उस तरफ ध्यान देके उसको ठीक करेंगे। साथ साथ उसका दूसरा लाभ ये है कि जो मन बार बार दूसरे की तरफ ध्यान देता था, उधर से छुट्टी प्राप्त छुट्टी पाएगा। दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा। ओम शांति व्यक्ति परिवार। सो टुमारो शांति व्यक्ति परिवार, कल मंगलवार है, अमृत वेला सुबह 3 बजे से 3:30 बजे से, फिर उसके बाद एक मुरली रिविजन शाम को 5 से 6, फिर शाम को बट्टी, फिर हिंदी सीरीज और इंग्लिश सीरीज। हिंदी का सीरीज है 7:15 से 7:30 तक, 7:15 से 7:30। फिर उसके बाद इंग्लिश सीरीज, फिर उसके बाद अव्यक्त श्रेणी, अभी अव्यक्त मुरली रिविजन। ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिविजन 28 जुलाई 1971 की वाणी है। वरदान वह दे सकता है जो साक्षात्कार मूर्त होगा। कोई भक्त को भी वरदान प्राप्त होता है तो साक्षात्कार मूर्त द्वारा होता है ना? तो साक्षात और साक्षात मूर्त बनने से ही वरदाता मूर्त बन सकेंगे। बाप दादा के बच्चे दाता बनना है, लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब दाता बन जाएंगे तो दाता का मुख्य गुण कौन सा होता है? उदार चित्त। जो औरों के उदार के उद्धार के निमित्त होंगे तो वह अपने नहीं कर सकेंगे। सदैव ऐसे समझो कि हम दाता के बच्चे हैं,
एक सेकंड भी देने के सिवाय ना रहे, उसी को कहा जाता है महादानी। सदैव देने के द्वारा खुले हो, सदैव देने के द्वार खुले हो। जैसे मंदिर का दरवाजा सदैव खुला रहता है, यह तो आजकल बंद करते हैं, तो ऐसे दाता के बच्चे का देना का द्वार कभी बंद नहीं होता। हर सेकंड हर संकल्प चेक करो, कुछ दिया लिया तो नहीं, देते जाओ। लेना है बाप से, वह तो ले ही लिया, अब देना है। लेने का कुछ रहा है क्या? सभी को जो लेना था वह ले लिया, बाकी रह गया देना। जितना जितना देने में बिजी होंगे, तो यह बातें जिसको क्रॉस करना मुश्किल लगता है वो बहुत सहज हो जाएंगे, क्योंकि महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। तो ये कार्य तो अच्छा है ना, देने के लिए तो भंडारा भरपूर है ना, इसमें फुल पास है। जिसमें फुल पास हो उसको राइट लगाते जाओ, जिसमें समझते हो फुल पास होना है तो बट्टी से फुल पास हो निकलना। जितना दाता बनेंगे उतना भत्ता भी जाता है, भंडारा भरपूर है तो क्यों ना दाता बने। इसको ही कहा जाता है निरंतर रूहानी सेवादारी। तो इस भट्टी से निरंतर रूहानी सेवादारी हो निकलना। जब तक त्याग नहीं तब तक सेवादारी हो नहीं सकेंगे। सेवादारी बनने से त्याग सहज और स्वतः हो जाएगा। सदैव अपने को बिजी रखने का यही तरीका है। संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से जितना फ्री रहते हो उतना ही माया चांस लेती है। अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप से अपने को सदैव बिजी रखो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जिस दिन स्थूल कार्य भी रुचि से करते हो उस दिन की चेकिंग करो तो माया नहीं आएगी, अगर देवता होकर किया तो। अगर मनुष्य होकर किया फिर तो चांस दिया, लेकिन सेवाधारी हो और देवता बन अपनी रुचि उमंग से अपने को बिजी रख कर देखो तो कभी माया नहीं आएगी, खुशी रहेगी। खुशी के कारण माया साहस नहीं रखती सामने करने का। तो बिजी रखने की प्रैक्टिस करो। कभी भी देखो कि आज बुद्धि फ्री है तो स्वयं ही टीचर बन बुद्धि से काम लो। जैसे स्थूल कार्य की डायरी बनाते हो ना, ऐसे प्रोग्राम बनाते हो कि आज सारा दिन यह कार्य करेंगे, फिर चेक करते हो। इसी प्रमाण अपनी बुद्धि को बिजी रखने का भी डेली प्रोग्राम होनी चाहिए। प्रोग्राम से प्रोग्रेस कर सकेंगे। अगर प्रोग्राम नहीं होता है तो कोई भी कार्य समय पर सफल नहीं होता। डेली माना ब्रैकेट में लिखा है रोज डेली होनी चाहिए, क्योंकि सभी बड़े से बड़े हो ना, बड़े आदमी प्रोग्राम फिक्स करके फिर कहाँ जाते हैं। तो अपने को भी बड़े से बड़े बाप के समझकर हर सेकंड का भी प्रोग्राम फिक्स करो। जिस बात की प्रतिज्ञा की जाती है तो उसमें विल पावर होती है। ऐसे ही सिर्फ विचार करेंगे उसमें विल पावर नहीं होगी। इसलिए प्रतिज्ञा करो यह करना ही है, ऐसे नहीं कि देखेंगे करेंगे, करना ही है। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज्यादा हो लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो ना। अगर ढीला विचार होगा, ना करने का ख्याल होगा तो कभी पूरा नहीं करेंगे, फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल जाते हैं। आज बुद्धि को इस प्रोग्राम पर चलाना ही है, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। भिन्न भिन्न समस्याएं पुरुषार्थहीन बनने के व्यक्त संकल्प आलस्य आदि आएंगे, लेकिन विल पावर होने कारण सामना कर विजयी बन जाएंगे।
यह भी डेली डेयरी बनाओ, फिर देखो कैसे रूहानी राहत देने वाले रूप सभी को देखने में आएगा। रूह आत्मा को भी कहते हैं और रूह एसेंस को भी कहते हैं, तो दोनों हो जाएंगे दिव्य गुणों के आकर्षण अर्थात एसेंस वह रूप भी होगा, रूह भी होगा और आत्मिक स्वरूप भी दिखाई देंगे, ऐसा लक्ष्य रखना है। तो रूप की विस्मृति, रूह की स्मृति इस भट्टी से बनाकर निकलना, बिल्कुल ऐसा अनुभव हो जैसे ये शरीर एक बॉक्स है, इसके अंदर जो हीरा है उनसे ही संबंध स्नेह है, ऐसा अनुभव करना। तो निवास स्थान का भी आधार लेकर स्थिति को बनाओ। अच्छा, ओम शांति। A daily diary for this. Then see how everyone will be able to see the spirit that gives spiritual comfort to everyone. The spirit is the soul and also the essence. So you will become both. There will be attraction to the divine virtues, that is to the essence, and your form of the soul will also be visible. You must have such a aim. Forget the form and have the awareness of the spirit. You must have this awareness when you come out of this bhatti. There should be the experience as though the body is a box and there is love for and relationship with the diamond inside it. You should have such an experience. So, by taking support of the residents, create your stage. Acha. Om Shanti.